Hi everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic in security analysis and portfolio management, that is what valuation of shares. आज हम पढ़ने वाले हैं methods of valuation of shares, कि क्या क्या methods होते हैं valuation of shares, shares के valuation निकालने के लिए. ठीक है, तो उसके तीन methods होते हैं, तीनों method हम cover करने वाले हैं आज. उसके formula पढ़ेंगे next video में, हम इनके numerical solve करेंगे. तो पहले वाले video में हम पढ़ते हैं कि इसके कितने मेथड्स होते हैं, तो तीन मेथड्स हम करने वाले हैं आज की वीडियोस में. फर्स्ट मेथड है नेट एसेट मेथड, सेकंड है यील्ड वैल्यू मेथड, थर्ड है फेयर वैल्यू मेथड. तो हमने क्या क्या पढ़े कि तीन टाइप के मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मेथड्स. ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है, नेट एसेट मेथड, सेकंड यील्ड वैल्यू मेथड, थर्ड फेयर वैल्यू मेथड. ठीक है, लेट्स मूव इनटू द, से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट आता है हमारा नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मेथड क्या होता है, नेट एसेट मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है और एज़ कम्पेयर टू यील्ड वैल्यू मैथड और फेयर वैल्यू मैथड. और बहुत सारी कंपनीज इस मैथड को फॉलो भी कर रही है. और ऑल्सो वी कैन से नेट एसेट मेथड को बैलेंस शीट मेथड, एसेट बैकिंग मेथड, इंट्रेंसिक और ब्रेक ऑफ वैल्यू मेथड, ये सब भी हम इन्हें बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है इसके अकॉर्डिंग, तो हम इसे अगर ये भी कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी नाम ऐसा इस तरह का आता है, तो हम समझेंगे कि उसमें नेट एसेट मेथड हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर टोटल एसेट माइनस पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, वैसे तो टोटल एसेट्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वैसे भी माइनस हो जाता है पहले से, बट हम फिर भी लिख देते हैं इसमें कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो ये इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट मेथड का. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टोटल एसेट हमारे पास है 2 लाख के और पेमेंट हमने करनी है 20,000 की और प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है 50,000 के और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे 500 इक्विटी शेयर्स हैं. तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमें इससे क्या फाइंड करके मिलेगा, हमें वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. तो ये फर्स्ट मेथड था. मूविंग टू द सेकंड मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड. यील्ड वैल्यू मेथड को हम डिटरमाइंड बाय फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशन बाय द कंपनी. यील्ड वैल्यू मेथड को हम क्या बोल सकते हैं कि हमने डिटरमाइन करा है कि जो हमारी फ्यूचर में हमने एक एस्टिमेशन लगा दिया कि हमारी जो भी फ्यूचर में अर्निंग होगी कंपनी की, उसको हम डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, और अर्निंग बेसिक मेथड भी होता है और मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो इसका देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर. तो ये यील्ड मेथड होता है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड रेट कहाँ से निकालने के लिए मिलेगा. एक्सपेक्टेड रेट हमें निकलेगा, उसका भी फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू अवेलेबल प्रॉफिट अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इंटू 100. तो ये हमारा फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट का. ठीक है, अगर हमारा फिर यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेड रेट आएगा, तो देन वी विल पुट हियर, हम यहाँ पर पुट करेंगे इसे और फिर हमारी आंसर निकल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो यील्ड मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट, सो फेयर वैल्यू मेथड क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स, नेट एसेट मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड. तो इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ड्यूअल मेथड. क्या बोला जाता है, इसे ड्यूअल मेथड. तो ड्यूअल मेथड में हम क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स. फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, शेयर वैल्यू एज पर फर्स्ट मेथड, इसका जो आंसर निकलेगा वो, प्लस शेयर वैल्यू एज पर सेकेंड मेथड, जो नीचे वाले का आंसर निकलेगा वो, अपॉन टू. तो इससे हमारा निकल जाएगा फेयर वैल्यू मेथड. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी और आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.